हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। सवाल इन्होंने ये लिखा था कि ये कंपनी की तरफ से जो है ना डिलीवरी का काम करते हैं, जैसे किसी ने कंपनी में फ्रीज बुक किया या एसी वगैरह बुक किया तो ये घर पे जाते हैं, इंस्टॉलमेंट वगैरह उसकी करते हैं और एसी वगैरह हो या कोई चीज़ उसको फिट करके आते हैं, तो कंपनी इनको अपने पास यानी अपने कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं, कंपनी ने रखा हुआ होता है इनको, लेकिन जिस कस्टमर के घर पे जाते हैं ये एसी वगैरह लगाने, फ्रीज वगैरह सेट करने, सब कुछ, तो वो कस्टमर भी जो है ना इनको देता है कुछ ना कुछ पैसे तोहफे के तौर पे देता है, तो क्या इनको रखने की इजाज़त है या नहीं। तो अगर आप इससे तलब नहीं करते क्लाइंट से कुछ भी और आप बताते हो जी आप कंपनी की तरफ से हो, फ्री काम करोगे, फ्री इंस्टॉलमेंट करके जाओगे, फिर भी कस्टमर अगर अपनी खुशी से आपको कुछ देता है कि भाई बंदा धूप में आता है या गर्मी में आया गया है या बेचारा मेहनत करके लाया है, जीने के ऊपर सामान चढ़ाना होता है, तो बहुत से कस्टमर ऐसे रहम दिल होते हैं कि जो मदद के तौर पर दिल खुश करने के लिए, दूसरे के दिल में खुशी दाखिल करने के लिए मामला करते हैं, तो फिर उस पैसे को आपको लेने में कोई हर्ज नहीं है और इसको कंपनी में देना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आपकी मेहनत को देखते हुए उस बंदे ने खास आपको दिया है तोहफे के तौर पे, तो उसको आप रख सकते हैं जबकि आपने उससे तलब ना की हो, पहली सूरत। दूसरी है कि आपने ये चीज़ भी जाहिर करी हो कि आप कंपनी ही की तरफ से हो, पैसा आप नहीं लोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करोगे, फिर भी वो देता है, और अगर आपने उसको कोई चार्ज वगैरह पहले ही बता दिए कि भाई इसके इंस्टॉलमेंट के इतने पैसे लगेंगे या मैं एक्स्ट्रा घर आके करूँगा तो इतने पैसे लूँगा, फिर वो आपको देता है वो पैसे, तो वो पैसा आपके लिए लेने की इजाज़त नहीं है, जबकि आप कंपनी की तरफ से जो है ना वो काम कर रहे हो तो उसको लेने की इजाज़त नहीं है। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।